हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स। आप सभी को प्यार प्यार नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों की जीभ की क्लीनिंग के बारे में। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और आप चाहें तो उसे आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद भी आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ जो मम्मीज़ थी उनका मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम, अगर हम बच्चे की जो जीभ को अगर हम डेली साफ ना करें तो क्या हो सकता है। मैं अपने बच्चे की जो जीभ है, टंग है, वो डेली क्लीन नहीं कर पाती हूँ और मेरी बच्चे की जीभ काली काली हो गई है। मैं ठीक से मीन्स उसे डेली मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ तो उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो ये मेरे पास कुछ एक दो कमेंट थे तो मुझे लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बना ही दूँ तो सबको ये बेनिफिट करेगी। और जो भी मम्मीज हैं अपने बच्चों की सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहलाती है, वो नहीं क्लीन कर पाती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आप अपने बच्चे की टंग को डेली क्लीन नहीं कर पाते तो क्या होता है। अगर आपके बच्चे की जो टंग है वो काली पड़ गई है या वाइट बहुत ज़्यादा जम गया है, या चीक्स पर भी जो अंदर जो गाल है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद जम गया है बच्चे के, तो आप उसे कैसे क्लीन करें। देखिए, बच्चे की साफ़ सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे का प्रॉपर तरीके से माउथ क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, बच्चे के मुंह में जो कि दूध की जो लेयर है वो जमती रहती है और बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आएगी, साथ ही साथ बैक्टीरिया भी बनने लगती है क्योंकि बच्चा दूध पीता है, वो ब्रश कर नहीं पाता है, वो कुल्ला भी नहीं करता। तो ऐसे में बच्चे की जीभ की सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। अब कुछ मम्मीज ये कहते हैं कि मैम हम कैसे करें, हमें करना ही नहीं आता, हम बच्चे के मुँह में उंगली डालते हैं तो हम उसकी जीभ की सफाई कैसे करें, बच्चा मुँह नहीं खोलता है। तो देखिए, कई तरीके होते हैं बच्चे की टंग को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको जब भी आप अपने बच्चे को बात दे रहे हो, नहला रहे हो, तो उसकी टंग जरूर क्लीन करें। ठीक है, क्योंकि उस पर दूध जम जाता है और दूध जमा हुआ है तो अगर आप उसे ठीक से क्लीन नहीं करोगे तो पूरे मुंह में थ्रस जम जाएगा, बच्चे के मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी बच्चे को हो सकता है। फिर जब उसके दूध के दांत निकलेंगे, अगर इन्फेक्शन है तो उसके दूध के दांत भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, बच्चे को छाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को हो सकती हैं। तो सभी जो मॉमीज हैं इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चे की टंग ज़रूर क्लीन करें। हाँ, वो वाली बात अलग है कि किसी कारणवश आप एक या दो दिन नहीं कर पाए, तीन दिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि उसकी टंग क्लीन करना स्किप कर देते हो और ऐसी हो गई कि बच्चे की जीभ ही काली हो गई है, गंदी हो गई है, वाइट बहुत ज़्यादा जम गया है जीभ पर, तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनकी टंग क्लीन करो तो वो उंगली ही कट कर लेते हैं, अगर उनके दांत निकले हुए हैं तो वो उंगली कट कर लेते हैं, या अगर उनके टीथ भी नहीं है तो वो जो गम्स हैं उनमें ही कस के पकड़ लेते हैं उंगली और छोड़ते नहीं हैं। तो आप ऐसे में क्या कर सकती हैं, देखिए आप क्या करें कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, थोड़ा सा पानी, जो फिल्टर वाटर या गुनगुना पानी रखें, हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद एक या दो चम्मच पानी जरूर पिलाएं। ठीक है, एक या दो चम्मच पानी बहुत है बच्चे के लिए, तो उससे जो दूध की जो लेयर है वो अंदर चली जाएगी और बच्चे के मुंह में से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू नहीं आएगी और ना ही बैक्टीरिया पनपेंगी। ठीक है, साथ ही जब भी आप अपने बच्चे को नहलाते हो तो कॉटन के कपड़े आपके घर में मिल जाएंगे, साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा लें, धुला हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, उस कॉटन के कपड़े को अपने फिंगर में फंसाएं, ठीक है, उसमें अच्छे से लपेट लें और उसके बच्चे को मुंह को हल्का सा खोलने इस तरह से प्रेस करें और अच्छे से उसकी जीभ को क्लीन करें, रगड़ना नहीं। अगर आपने रगड़ दिया तब भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, हल्का सा उसे साफ कर दें। आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जो भी पानी आप बच्चे के माउथ में डाल रहे हो, साफ़ कर रहे हो, वो नल का पानी ना रखें, उस माउथ को क्लीन करने के लिए अलग से साफ पानी रखें, क्योंकि बच्चा पानी को निगल भी लेता है। तो टैप वाटर आप ना यूज़ करें क्योंकि उससे बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड दस्त हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी पानी लें वो अलग से फ़िल्टर पानी अपने बच्चे के माउथ को क्लीन करने के लिए लें, टंग को क्लीन करने के लिए लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने बताया, रुमाल को उंगली में फंसाकर अच्छे से धीरे धीरे क्लीनिंग करें और मुंह में हल्का पानी डालें
और कोशिश करें कि बच्चा उसे वो बाहर निकाल दे। वैसे तो जेन्युइन बच्चा सेल्फ ही पानी को बाहर निकाल देता है, फिर इस तरीके से आप एक दो बार उसे साफ़ कर दें, बस एकदम क्लीन हो जाएगा। और जो भी आप हैंकी यूज़ कर रहे हैं उसे इमीडिएटली अच्छी तरीके से धोएं और धुलने के बाद धूप में अच्छे से सुखा लें उसको, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकती हैं। अब इसके अलावा अगर आप कॉटन का कपड़ा नहीं यूज़ करना चाह रही तो टंग क्लीनर आते हैं, ब्रश आते हैं बच्चे के, स्पेशली सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आराम से आप उनको यूज़ कर सकती हैं। वो आप फिंगर में फंसा सकती हैं, आराम से उसको अपनी फिंगर में फंसाइए और उसमें ब्रश होते हैं हल्के हल्के, वो उससे आप बच्चे के अंदर से जो चीक्स हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे, टंग साफ हो जाएंगी, अगर बच्चे के दूध के दांत निकले हुए हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के टंग को क्लीन कर सकती हैं, ठीक है, कपड़े से भी कर सकती हैं और टंग क्लीनर से भी आप कर सकती हैं, लेकिन आपको करना ज़रूर है। इसके साथ जो भी आप अपना फीड दे रहे हो या ऊपर का दूध पिला रहे हो तो आप बच्चे को हल्का सा पानी ज़रूर पिला दीजिए, पानी फिल्टर होना चाहिए या निवाया पानी होना चाहिए, वो अपने बच्चे को पिला दें जिससे कि बच्चे के माउथ में दूध की कोई भी लेयर नहीं रहेगी, ठीक है, और बच्चे के माउथ से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को टंग को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर क्लीन करना है, अवॉइड नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे के माउथ में इन्फेक्शन हो गया, बच्चे के माउथ में छाले हो गए, अक्सर छाले हो जाते हैं, जीभ गंदी है, ठीक है, बच्चे के माउथ में से स्मेल आएगी, यहाँ से बच्चे थूक निकालते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना हो आपके बच्चे के साथ, तो बच्चे की जीभ की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के माउथ की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इन केस नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, बट आपको ये स्किप नहीं करना, आपको कोशिश करना है कि आप डेली अपने बच्चे की टंग को आप क्लीन करें, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।